नमस्कार, मैं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। वक्त है आज की 15 बड़ी खबरों का। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। चुनाव में बढ़ रही मायावती की मुश्किल। यूपी के चीनी मिल घोटाले की सीबीआई ने शुरू की जांच। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बोले, काम न करने वालों पर अमित शाह के जासूसों की नजर है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रहे 173 उम्मीदवारों में से केवल 13 महिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पर, कन्नौज, हरदोई और सीतापुर में करेंगे चुनावी जनसभाएं। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 3 की मौत। चीन में इमरान खान की हुई बेइज्जती, लोगों ने उड़ाई खिल्ली, कहा भिखारियों के साथ ऐसा ही होता है। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी प्रत्याशी सनी देओल सोमवार को करेंगे नामांकन। पीएम मोदी का बयान, कहा बेरोजगारी की बात कहने वालों के पास आंकड़े नहीं, बहाने ढूंढ रहे। दिल्ली में एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। रोहित शर्मा ने छक्के मारकर की वापसी, बन गए चेन्नई के खिलाफ जीत के हीरो। मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 46 रनों से हराया। धोनी ने 9 साल में दूसरी बार मिस की कप्तानी। चिपाक में रुका विजय रथ। टीआरपी में नंबर वन बना कपिल शर्मा शो। कलंक के सितारों से सजा एपिसोड हिट। सना खान के मेलविन लुइस के साथ स्वीकारा रिश्ता, कहा बढ़ रहा है प्यार। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे आई न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।